हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड बुक्स किसी भी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ अनछुए पहलू देखेंगे बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन बच्चों की बुक रीडिंग की हैबिट होती है उनका ब्रेन नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है, ये स्टडी से प्रूव हो चुका है। बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिससे हम बच्चों को जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करा दें उतना अच्छा। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन अपने बच्चे को तीसरे या चौथे महीने से ही बुक पढ़कर सुनाती है तो ऐसे बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बच्चों की अपने पेरेंट्स से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जो कि उनके इमोशनल डेवलपमेंट में, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, हर तरह के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। काफ़ी सारे रिसर्च से ये सामने आया है कि जिन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है या जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको कहीं ना कहीं शुरू से ही बुक रीडिंग की हैबिट थी। और इसमें सबसे अहम भूमिका होती है हमारी यानी पेरेंट्स की। एक बार फिर से हमें काम पर लग जाना है और बच्चों की जितनी जल्दी हो सके किताबों से दोस्ती करा देनी है। बुक रीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना। बुक में से बच्चा नए नए शब्द सीखता है जिससे उसकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। बुक में से ही उसे गुड और बैड का कॉन्सेप्ट पता लगता है। और जब बच्चा बुक की किसी चीज़ या किसी सिचुएशन को बाहर देखता है तो वो चीज़ों को एसोसिएट करना सीखते हैं और उनकी सेंस डेवलप होती है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है बच्चे की कंसंट्रेशन पावर का बढ़ना, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए वो एक फिक्स टाइम के लिए एक ही जगह पर एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। और सोचिए, बुक से वो रॉकेट, साइंस, स्पेस, गैलेक्सी, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करता है जो कि वो अक्सर कार्टून में भी देखा करता है। लेकिन कार्टून देखने से, मींस वीडियो देखने से, बच्चे का ब्रेन काम नहीं करता क्योंकि वीडियो देखने में कुछ सोचना नहीं पड़ता, वहीं बुक पढ़ने के लिए उसे कुछ इमेजिन करना पड़ता है। बच्चा जैसे जैसे बुक पढ़ता जाता है वो अंदर ही अंदर विजुलाइज करने की कोशिश करता है, इससे वो लॉजिकली सोचना सीखता है, उसका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो बच्चों को किताबों से मिलाने के लिए हमें स्कूल तक का वेट नहीं करना चाहिए शुरू से ही, बल्कि रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में मदर जो भी अपने बच्चे को पढ़कर सुनाती है, बच्चे के जन्म लेने के बाद अगर बच्चा कभी रेस्टलेस फील करता है, क्रेंकी होता है, रोता है, तो अगर सेम चीज़ उसको दोबारा सुनाई जाए तो उसके काम में रिलैक्स होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लस बुक्स में अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते बच्चे अपने दिल की बात पेरेंट्स के साथ शेयर करना सीखते हैं। और हम भी अगर बच्चों को कुछ सिखाना हो और उसके लिए स्टोरी का सहारा लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और अगर कभी बच्चे की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें मान लीजिए उसका स्कूल चेंज होना है, सोसाइटी चेंज होनी है या शहर ही चेंज होना है, तो हम उससे रिलेटेड अलग अलग तरह की स्टोरीज बनाकर उसे सुना सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से सुना सकते हैं जिससे उसे वो पर्टिकुलर सिचुएशन हैवी नहीं लगेगी। बच्चों के लाइफ में बुक्स इन्वॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक रीडिंग को उनका बेड टाइम रूटीन बना देना। कभी आप उन्हें स्टोरी पढ़ के सुनाइए, कभी वो पढ़ के सुनाए। यहाँ एक बात हो सकती है कि थोड़ा बड़े बच्चे हो सकता है स्टोरी बुक्स को उतना एंजॉय ना करें, तो उनके लिए आप एक्टिविटी बुक्स ला सकते हैं। आजकल तो मार्केट में इतने तरह के बुक्स अवेलेबल है कि अगर बच्चे को एक बुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप अलग अलग तरह के बुक्स एक्सप्लोर कराइए। आज मैं राघव की कुछ बुक्स लेकर बैठी हूँ। मेरा बेटा राघव 7 साल का है, तो जो बुक्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली बुक है ये ब्रेन गेम फॉर क्लेवर किड्स। ये बहुत अच्छी बुक है, बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। इसमें काफ़ी सारी पजल्स दी हुई है, ग्रिड बनानी होती है, क्लू से आपको स्पेलिंग सोचनी होती है, काफ़ी कुछ है। बेसिकली 100 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, तो आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है ये भी उसे बहुत पसंद है क्योंकि स्पेस के बारे में है और वो जो डोरेमोन में देखते हैं मीटियोर है, यूएफओ है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट जो बुक है वो है ये, जो कि राघव की करंट फेवरेट बुक है। ये ऐसी बुक है जो हर बच्चे को पसंद आएगी। इसमें हर तरह की एक्टिविटी है, गर्ल्स, बॉयज़, ईजी एक्टिविटी, टफ एक्टिविटी, हर तरह का दिया हुआ है। ये इस तरह का फाइंड द पाथ एक्टिविटी जो कि मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसमें 500 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, थिंक अबाउट इट। तो ये तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप अपने बच्चे के लिए आंखें बंद करके इसे मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी ये बुक जरूर 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 मंगाना। एक और बुक मैं राघव के लिए लेके आई थी,
बहुत ही कलरिंग बुक, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसे ड्राइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, भी उसने इसका एक भी पेज कंप्लीट नहीं किया, ये ऐसे रखी हुई है। आई थिंक गर्ल्स को ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बट मैं ले आई थी क्योंकि बच्चों का नहीं पता कब किस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो बच्चों को किताबों का एक्सपोजर देना ज़रूरी है, ये उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा काम आता है। और जब भी हम बच्चों को कोई स्टोरी पढ़कर सुनाए तो उसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाए विद फुल एक्सप्रेशंस, ताकि बच्चे को लगे कि रीडिंग इज़ नॉट अ बोरिंग थिंग, इट्स समथिंग जिसमें बहुत सारा फन कर सकते हैं। बच्चों को कुछ भी सिखाना हो तो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना दीजिए, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हमें उन्हें ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना है, बच्चा कम पढ़े ज़्यादा पढ़े ना पढ़े डजंट मैटर, कम से कम इतनी देर वो हमारे साथ तो है। और पेरेंट्स से जो बींग लव्ड वाली फीलिंग आती है उससे बच्चे बहुत स्मार्टली ग्रो करते हैं, और हो सकता है बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते बच्चा लाइफ टाइम रीडर बन जाए। आपने देखा होगा बहुत से बड़े लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है, इससे बहुत नॉलेज बढ़ती है। बुक रीडिंग के इतने फायदे हैं कि अभी भी गिनाते ही जाए, लेकिन अब हमें वीडियो के एंड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक्स प्रोवाइड कराते रहिए, उनको एनकरेज करते रहिए, खुद भी पढ़िए उनको भी पढ़ाइए, और अपने पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।